है आपका, क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत यही है कि हमारे घर में पानी घुस जाता है, नाला किनारे हम लोग हैं, सर सफाई कुछ नहीं होता है, सर सफाई नहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ सभासद हैं, कभी मेरे मोहल्ले में आते नहीं है सुनने के लिए, देखने के लिए कि आप लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। जब भले मर जाए लेकिन वो सभासद हमारे घर में नहीं आता है देखने के लिए। यहाँ पर हाँ गए थे, वो नहीं सुने, ऐबा नहीं करानी है, देखे खतिन तो कहा जाए बार बार दौड़ दौड़ ठीक है भेज देंगे, भेज दे कोई ऐबा नहीं करा घर की ताकि मारे मारे घुसल पानी। छोटे छोटे बच्चे बटे बताइए, कीड़ा है मकोड़ा है हमारे घर में घुस जाता है, बच्चे के काट ले मर जाए बच्चे। हाँ अर्चना नाम है, सुमित कुमार सिंह जी, हम यहीं के मूल निवासी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पक्का नाला का निर्माण हो जाए और साथ साथ पुल का भी निर्माण हो जाए, न तो फिर किसी दिन ऐसा आएगा कि ये पुल जर्जर होकर गिर जाएगा, बड़ी दुर्घटना का शिकार आदमी हो जाएंगे आने वाले समय में। 150 साल पुराना पुल है जी। पुल की उम्र बताई जा रही है कि 150 वर्ष हो गया, यानी कि इस पुल ने बड़े बड़े इतिहास की घटनाओं को देखा है। आप या तो अंदर ले चलते हैं। एबी न्यूज की टीम इस समय वार्ड नंबर 34 में है और यहाँ पे जो बुनियादी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ के पार्षद के द्वारा क्या किया गया है उसी की एक समीक्षा हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्षदीय चुनाव 2022 होने वाला है और इस चुनाव में पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल में जनता को कितना लाभान्वित किया गया है, पार्षद महोदय के द्वारा सरकार की योजनाओं को कितना धरातल पर उतारा गया, आइए हम लोग यहाँ के स्थानीय वासियों से पूछते हैं क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है? अरे लाइट बिजली सड़क है, बहुत दिक्कत है। नहीं है? अच्छा, तो आपने पार्षद से बात किया इसके लिए? बहुत बात किया गया। क्या बोल रहे हैं? आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो 5 साल से यही आज कल हो रहा है, बस यही दिक्कत है। कौन है पार्षद आपके? अनिल सिंह है। चलिए आइए, एक पुजारी जी भी हैं जो इस बारे में क्या बताएंगे। महंत जी हैं। जैसे महाराज जी, ऐसा है कि 3 साल से अनिल सिंह को जिताया जा रहा है श्री महाराज जी के नाम से। 3 साल से कि 3 बार से? तीन बार से, यानी कि कुल 15 वर्षों का कार्यकाल, 15 वर्षों का रिकॉर्ड है उनका। ठीक है। लेकिन 15 वर्ष में न ये नाला बना और न ये गांव का विकास किया। हम लोगों ने महाराज जी के वजह से अनिल सिंह को चुना गया, नहीं तो अनिल सिंह थे कि क्या, कुछ ना नहीं थे, खाली बाबा के नाम। वो तो महाराज जी के नाम से उनको वोट दिया गया और महाराज जी का मान सम्मान को रखा गया और गांव का जो विकास है, लाइट नहीं है, ये अच्छी रोडें नहीं है, कूड़ा कबाड़ी सब देखिए पहले आपके सामने है पूरा टोटल, और ये जो नाला है वो भी नाला नहीं बना, इधर पुल है, पुल एकदम टूट गया है, वो जब भी वो गिर जाए हिलता है पुल, सब एकदम खत्म हो गया। इस समस्या को जब आपने उठाया तो क्या कहा उन्होंने? तो अनिल सिंह आए, जब हम लोग प्रयास किए वो आए और आज तक वो आए, फिर गए, फिर नहीं आए, फिर उसको देखा भी नहीं घूम करके कि पुल का क्या हालत है, गांव का हालत क्या है। यानी कि इस बार आपने मन बना लिया है कि उनको हटा देना है। और क्या पक्का है? और दो राज्य जब गांव भला नहीं। अब भाई मैंने 3 बार आपको घीव लड्डू पेड़ा में मिठाई खिलाया और सब कुछ महाराज जी के वजह से हम लोग ने किया, तो उसका माने क्या होता है? 15 वर्षों से कि आप देखेंगे नहीं, ये बाबा जी की नीतियों में खोट है कि अनिल सिंह में खोट है? अनिल सिंह में खोट है, महाराज जी के अंदर में कोई नहीं है। महाराज जी तो राजा, वो तो महाराज जी के, वो तो खुद यहाँ पर आते रहे, महाराज जी इस गांव का देखभाल का करते रहे, जब से वो मंत्री हुए तब से यहाँ पर एक बार भी नहीं आया महाराज जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धनुक सिंह है, नाम है।